अमिताभ बच्चन कोई फिल्म का शूटिंग कर रहे थे कुली का, जिसमें वो घायल हो गए थे, तो ब्रिज कैंडी में उनका सर्जरी हुआ था। फोर स्टार पूर्णिया का पहचान बना, पूर्णिया को लोग फोर स्टार से भी जानने लगे। 70 का उस समय इस एरिया क्या पटना में भी नहीं था, पटना मतलब पटना क्या इन मद्रास में नहीं था इतना बड़ा सिनेमा हॉल। डॉक्टर साहब खुद अमिताभ बच्चन के बराबर थे, ऐसा कम नहीं थे उस समय। ब्रिज कैंडी में फर्स्ट बाईपास सर्जरी डॉक्टर साहब किए थे, फर्स्ट इंडियन है उस समय 8,500 बाईपास सर्जरी कर चुके थे। डॉक्टर साहब 2 एकड़ जमीन DAV को यहाँ दिए पूर्णिया में, उस समय उसका करीब 2 करोड़ वैल्यू था, और उसमें डोनेट कर दिया। डॉक्टर साहब काफ़ी मतलब वो हजारों करोड़ कमाए वहाँ। इंडिया का बिगेस्ट सिनेमा हॉल था, 72x32 फीट उसका स्क्रीन साइज था। हम लोग 42 आदमी हैं, मतलब नाती पोता वगैरह वगैरह लेके, सब अमेरिका में ही है। सेल के अलावे और कोई उपाय नहीं है। अब सेल करने के मिजाज, सेल करने के मिजाज भी। हम कोशी आलोक के खास मुलाकात प्रोग्राम में आज हम एक ऐसी शख्सियत के साथ मौजूद हैं जिनका पूर्णिया के डेवलपमेंट में काफ़ी योगदान रहा है, और एक वक्त ऐसा भी था जब पूर्णिया की पहचान इस परिवार के द्वारा किए गए कार्यों से होती थी और अभी भी चर्चाएं सरेआम होती हैं। ख़ास तौर से हम आपको बताना चाहेंगे कि किसी समय पूर्णिया का सबसे बड़ा सिनेमा हॉल 4 स्टार, जो कि पूरे देश के लिए एक पहचान पूर्णिया के लिए बना हुआ था, और आज भले ही वो नहीं चल रहा हो, लेकिन इसके पीछे का जो इतिहास है वो बहुत बड़ा है। पूर्णिया के योगदान में उस सिनेमा हॉल का और इस शख्सियत के परिवार का और इनका काफ़ी योगदान रहा है। हमारे साथ आज मौजूद हैं वो शख्सियत कुमार राय साहब और इनके बड़े भाई मोहन राय ने दोनों भाइयों के सहयोग से पूर्णिया का 4 स्टार बना, और इसके पीछे की जो कहानी है वो क्या है वो हम ख़ास तौर से आज आपको बताते हैं इनके माध्यम से ही। सर, सबसे पहले आपका हम स्वागत करते हैं अपने चैनल में, और आपसे सर हम जानना चाहते हैं, किसी समय 4 स्टार पूर्णिया का ही नहीं कहा जा रहा है कि पूरे भारत में सबसे बड़ा जो इसका स्क्रीन है वो कहा जा रहा था कि 4 स्टार का ही था और इसकी पहचान थी, और जानकारी ये मिली कि उसमें मोहन राय और आप दोनों भाई पार्टनर स्वरूप उसमें थे, मालिक, और आप लोगों ने बनवाया था। सर, इसके पीछे की जो कहानी है वो क्या है? चूँकि लोगों के बीच में काफ़ी बातें हैं, लेकिन सच्चाई वो आपके पास है। अच्छा सर, है क्या कि मेरे बड़े भाई डॉक्टर मोहन राय थे, जी सर, वर्ल्ड के टॉप वर्ल्ड टू थर्ड हार्ट सर्जन में आते थे। वो पूर्णिया चुनापुर में, चुनापुर मिडिल स्कूल से पढ़े, जिला स्कूल में पढ़े, उसके बाद दरभंगा मेडिकल कॉलेज से MBBS किए, US गए, और वहाँ वो हार्ट सर्जन थे कैलिफोर्निया में। तो उन्होंने काफ़ी पैसा कमाया, क्योंकि उस समय बाईपास सर्जरी शुरू हुआ था, और जो टीम बाईपास सर्जरी का खोज किया था उस टीम में वो भी थे। ये जो है डॉक्टर मेदांता के जो हैं डॉक्टर त्रिहान जो मेदांता दिल्ली के जो हॉस्पिटल हैं वो भी वहीं थे, क्लीवलैंड क्लिनिक में वो भी थे, वहीं डॉक्टर साहब के साथ ही थे डॉक्टर त्रिहान। तो डॉक्टर साहब को काफ़ी पूर्णिया से लगाव था, और हर एक साल पूर्णिया आते थे। पूर्णिया का डेवलपमेंट नहीं हो रहा था, तो वो बोले कि पूर्णिया में क्या किया जा सकता है, कुछ ऐसा रॉ मटेरियल कुछ है नहीं, तो ऐसा करो कि इंडिया का सबसे बड़ा सिनेमा हॉल बनाओ। ये सोच के कि पैसा के लिए नहीं बना था, सिर्फ 4 स्टार, 4 स्टार सिर्फ पूर्णिया के डेवलपमेंट के लिए बना था, क्योंकि पैसा वो खुद काफ़ी कमा चुके थे, उनको पैसे का ज़रूरत ऐसा था नहीं। और 4 स्टार एक्चुअली हमको हेल्प करने के लिए वो किए थे, 100% उन्हीं का फाइनेंस था। तो 4 स्टार बनने के बाद, क्योंकि उस समय पूर्णिया में बहुत आदमी को बहुत पैसा था, लेकिन ये लोग पूर्णिया में इन्वेस्ट नहीं करते थे, ये लोग पटना में इन्वेस्ट करते थे। 4 स्टार बनने के बाद, इधर 4 स्टार है, दिन में भी लोग उधर नहीं जाते थे। जब 4 स्टार बना तो वहाँ से शहर 5 किलोमीटर आगे मरंगा तक चला गया। उसके बाद राम सेवक शर्मा आए, उन्होंने बहुत डेवलपमेंट किया। राम सेवक शर्मा जो DM थे, उन्होंने बहुत किया, तो 4 स्टार पूर्णिया का पहचान बना, पूर्णिया को लोग 4 स्टार से भी जानने लगे।
और फोर स्टार में जो इनकम हुआ, मेजोरिटी ऑफ इनकम जो है उसे डोनेट कर दिया गया। वो चुनापुर में मिडिल स्कूल बना, हाई स्कूल बना, हाई स्कूल नहीं चल सका क्योंकि हम लोग उतना स्कूल पर ध्यान नहीं दिए और डॉक्टर साहब भी वहाँ रहते थे, हम भी सिनेमा इन्वॉल्व रहते थे। तो हम लोगों ने डीएवी को बुलाया, जो अभी डीएवी है, वो वहाँ स्कूल खोला, लेकिन उस समय वहाँ न रोड था न पुल था, तो वो लोग इधर आए। फिर हम लोग डॉक्टर साहब 2 एकड़ ज़मीन डीएवी को यहाँ दिए पूर्णिया में, उस समय उसका करीब 2 करोड़ वैल्यू था और उसमें डीएवी डोनेट कर दिया। तो डीएवी खुला और आज डीएवी खुलने के बाद, उस समय पूर्णिया में कोई स्कूल भी नहीं था, जब डीएवी खुला तो बढ़िया स्कूल नहीं था, अभी तो 2-4 बढ़िया स्कूल है भी। और उससे पूर्णिया का भी एजुकेशनल एक माहौल बना, 4 स्टार से इन्वेस्टमेंट का माहौल बना। तो 4 स्टार एक्चुअली डॉक्टर साहब हार्ट सर्जन थे, ब्रिज कैंडी आते थे, ब्रिज कैंडी में फर्स्ट बाईपास सर्जरी डॉक्टर साहब किए थे, उनके टीम में बहुत बड़ा टीम था। सर थोड़ा सा ये हम जानना चाहेंगे कि बहुत लोगों का ये मानना ये है कि आपने कहा कि एक तरह से पूर्णिया के डेवलपमेंट के लिए डॉक्टर साहब का ये कहना हुआ कि यहाँ एक बहुत बड़ा सिनेमा हॉल खोल दिया जाए, तो उन्होंने इन्वेस्ट कर दिया और आपके डेवलप आपके लिए भी उन्होंने इस तरह से कर दिया। कुछ लोग के मन में ये बातें हैं कि अमिताभ बच्चन नहीं हुआ क्या कि अमिताभ बच्चन कोई फिल्म का शूटिंग कर रहे थे कुली का, जिसमें वो घायल हो गए थे, तो ब्रिज कैंडी में उनका सर्जरी हुआ था। उनका सर्जरी डॉक्टर दस्तूर किया था, वो जनरल सर्जन थे और वो डॉक्टर साहब की टीम में थे। तो उनका जो सर्जरी था, पेट का सर्जरी था, वो थोड़ा छोटा काम हुआ बनिस्बत हार्ट सर्जरी के हिसाब से। तो डॉक्टर साहब को ऐसा कोई नहीं था, डॉक्टर साहब खुद अमिताभ बच्चन के बराबर थे, ऐसा कम नहीं थे उस समय जो उनको किसी की एड का जरूरत था। वो कितने फिल्म के हीरो हीरोइन, संजीव कुमार, नौशाद, किसका भी सर्जरी किए। वो फर्स्ट इंडियन है उस समय 8,500 बाईपास सर्जरी कर चुके थे। तो लोगों के मन में जो इस तरह की बातें हैं, कभी कभी लोग चर्चा कर लेते हैं दुकानों पर किसी और जगह पर कि डॉक्टर साहब ने अमिताभ बच्चन की सर्जरी की और गिफ्ट में सिनेमा हॉल मिली। ना, डॉक्टर साहब का खुद का ही था, इसलिए उनको पैसे का कोई जरूरत, वो तो लुटाते, जितना 4 स्टार का पैसा था सब स्कूल में डोनेट कर दिए। अभी भी एक नया फिर डीएवी स्कूल को हम लोग 3 एकड़ 71 डिसमिल ज़मीन फिर चुनापुर में डोनेट करने जा रहे हैं। जो स्कूल होगा डॉक्टर मोहन राय डीएवी स्कूल चुनापुर, अब 2 डीएवी हो जाएगा नेक्स्ट मंथ, उसका हम उस ज़मीन को ट्रांसफ़र कर रहे हैं डीएवी को, और हमको लगता है 1-2 साल में इससे बड़ा डीएवी हो जाएगा वो, और वो भी पूर्णिया के विकास में बहुत बड़ा योगदान देगा। अच्छा सर, जब सिनेमा हॉल बन गया तो उसकी ओपनिंग में भी कोई आया था क्या? नहीं, ओपनिंग में कोई नहीं आया था। तो ऐसी कोई बात है कि ओपनिंग में जो फिल्म लगी थी कहीं वो अमिताभ बच्चन का फिल्म था शराबी पिक्चर्स, हम लोग इनॉग्रेट किए थे, फर्स्ट मूवी था जय बाबा अमरनाथ, सेकेंड था शराबी। तो वही कहीं लोगों ने उसी का अलग अलग मैसेज निकाल दिया। डॉक्टर साहब काफ़ी मतलब वो 1,000 करोड़ कमाए हुए हैं, उनको पैसा का कोई ऐसा था नहीं, वो बहुत पैसा डोनेट किए पूर्णिया के लिए, इंडिया के लिए भी, कितना हॉस्पिटल, कितना बेंगलोर में हॉस्पिटल था, कावेरी हॉस्पिटल किए। वो बहुत बड़े हस्ती थे, बहुत इंटेलिजेंट आदमी थे, उनको जितना सम्मान मिलना चाहिए पूर्णिया से मिला नहीं, मिला हालांकि लोगों से मिला, लेकिन गवर्नमेंट से जो मिलना चाहिए था सो नहीं मिला। वो पूर्णिया के लिए बहुत किए चूँकि उनकी पूर्णिया तो मातृभूमि तो पूर्णिया के सपूत थे, पूर्णिया के मिट्टी से बढ़े थे और लॉस एंजलिस में इतना नाम कमाए। जैसे सर उनके बारे में कहा जा रहा है कि जब वो अमेरिका जा रहे थे तो उनका कोर्स पूरा भी नहीं हुआ था और इंट्रेंस एग्जाम उन्होंने पास कर लिया। अमेरिका जाने का एग्जामिशन होता है USMLE, वो MBBS के बाद लोग अपियर होते हैं एग्जामिशन में, उनको वो 3rd ईयर में ही क्लियर कर लिए थे एग्जामिशन, उनको स्पेशल परमिशन मिला था जो आप अपियर हो जाइए, वो 3rd ईयर में ही कम्प्लीट कर लिए थे। मेडिकल में दरभंगा मेडिकल कॉलेज में मेडिकल में करीब उस समय 10 ऑनर्स होता था, उनको 10 में 9 ऑनर्स मिला। आज तक 67 में वो पास किए, आज तक उस रिकॉर्ड को कोई नहीं ब्रेक कर सका है दरभंगा मेडिकल कॉलेज का। वो एक्स्ट्रा ऑर्डनरी पर्सन थे,
वो जो बाईपास सर्जरी करते थे, ब्लडलेस सर्जरी करते थे, 45 मिनट से आधा घंटा में ब्लड सर्जरी करते थे, वो बहुत फास्ट। 2009 में उनका डेथ हुआ, हार्ट अटैक से ही हुआ। उस समय तक वो 8,500 बाईपास सर्जरी कर चुके थे। सर, जब हार्ट के वो इतने बड़े डॉक्टर थे, तो उनका भी आपने कहा कि जो निधन हुआ हार्ट अटैक से ही हुआ, वो नहीं समझ, अपने से नहीं समझ सके कि उनको यही होने वाला है जिसका वो डॉक्टर थे। तो वो कभी उसको फील नहीं कर पाए कि हम भी उस बीमारी के चपेट में। फील किए थे, उनका मानना था कि हर एक आदमी का एक लाइफ फिक्स है। वो कहते थे कि लोग अपने से जीता है, डॉक्टर किसी को नहीं जिलाता है। बहुत मामूली पेशेंट आता है, हम लोग उसको उसके लिए बहुत कुछ करते हैं, उसका डेथ हो जाता है। जो बहुत ख़राब पेशेंट है वो आता है, उसको नेगलेक्ट भी करते हैं, वो ज़िंदा हो जाता है। मतलब ज़िंदगी मौत आदमी के हाथ में, डॉक्टर के हाथ में नहीं है, ये पहले से फिक्स है, उनका ये मानना था। इतने बड़े डॉक्टर का ये कहना है कि जो इतने बड़े हार्ट सर्जन थे, उनका मानना था कि हम लोग किसी को जिंदा नहीं रखते, जिसको जिंदा रहना रहता है वो जिंदा रहता है, जिसको मरना रहता है प्रकृति पे डिपेंड है, सब पहले से फिक्स है। सर, हम ये भी जानना चाहेंगे आपसे कि उस दौर में सिनेमा का दौर था, लोग सिनेमा के प्रति काफ़ी अट्रैक्ट हुआ करते थे, तो यही वजह था कि आप लोगों ने, डॉक्टर साहब ने कि सिनेमा पूर्णिया में कोई रॉ मटेरियल इंडस्ट्री लग नहीं सकता था। उस समय कोई रोड नहीं था, कम्युनिकेशन नहीं था, कुछ हो नहीं सकता था। सिनेमा एक ऐसा था कि जो हो सकता, जिससे नाम हुआ। उसके बाद पूर्णिया बहुत ग्रोथ किया, अभी तो हमको लगता है बिहार का वन ऑफ द बेस्ट सिटी पूर्णिया। उस दौर का जो माहौल जब बना, जब फॉरेस्टार पूरा इलाके में चर्चा होने लगा, तो जब माहौल बना तो फिर किस तरह का माहौल बन गया पूर्णिया? उसके बाद यहाँ भी लोग इन्वेस्ट करने लगे, जैसे दुर्गा चौधरी फैक्ट्री लगाए, तो लालमोहन बाबू बैंक बनाए, ये सब उसके बाद हुआ है। फिल्म देखने के लिए कहा जाता है कि दूर दूर से लोग, बहुत 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 70 का उस समय इस एरिया क्या पटना में भी नहीं था, पटना क्या इन मद्रास में नहीं था इतना बड़ा सिनेमा हॉल। इंडिया का बिगेस्ट सिनेमा हॉल था, 72x32 feet उसका स्क्रीन साइज था, और 6-track साउंड सिस्टम था, 3,000 आदमी कैपेसिटी था बैठने का। वो सिर्फ जस्ट वो उसका जो डिजाइन है, वो लॉस वेगास में एक डिजाइन है, कंसर्ट हॉल है, उसी का डिजाइन भी है, वो सब डिजाइन वहीं से आया था। तो ये काफ़ी फेमस हो गया, और ये भी कहा जा रहा है कि बहुत लोग तो फॉरेस्टार को देखने के लिए आते थे कि हाँ उस समय लोग देखने आते थे, क्योंकि इतना बड़ा स्क्रीन साइज नहीं था, बिहार में ही नहीं था, कहीं नहीं था बिहार में। तो सर, उस समय तो फिर काफ़ी चला आपका सिनेमा हॉल? मेरा हॉल सिनेमा हॉल चला, बढ़िया चला, और हम लोगों ने जितना कमाया उसमें आधा से ज़्यादा हम लोग डोनेट कर दिए स्कूल को। चुनापुर में आज भी स्कूल चल रहा है, जो स्कूल को हम लोग डोनेट किए, फिर DAV को डोनेट किए, मतलब काफ़ी पैसा हम लोग गरीब आदमी को दिए। इलाका के डेवलपमेंट के लिए डॉक्टर साहब बहुत किए। आप भी कहीं अब किसी भी चुनापुर वाले से पूछेंगे, या जो उनको जानता हो वो कहेंगे भगवान थे वो। पूर्णिया के डेवलपमेंट में उनका काफ़ी योगदान, बहुत 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 ज़्यादा। और उनके बाद हम मानते हैं कि रामसेवक शर्मा जो DM थे, उनका भी योगदान है, उनको भी नहीं भुलाया जा सकता है, वो भी पूर्णिया के लीजेंड में वो भी आएंगे। लेकिन 4-star पूर्णिया के डेवलपमेंट में एक माइल स्टोन था, पूर्णिया का पहचान बना 4-star। उस समय सर बनाने में कितना रुपया खर्च हुआ था? सर उस समय करीब करीब 80-90 लाख रुपया लगा था, जमीन खरीद के बना के ये सब। सर, एक बार में कितने लोग देखे थे सर? एक उसका कैपेसिटी था 3,000 आदमी का, जो कभी फुल कैपेसिटी में चला ही फुल कैपेसिटी में नहीं चला, कभी नहीं चला। क्यों सर? उतना आदमी नहीं था पूर्णिया, तो काफ़ी लगती थी, जितना चाहिए उतना आदमी नहीं था। फिर सिनेमा देखने को पैसा भी चाहिए। यहाँ बहुत मतलब कि लोगों का हालत बहुत बढ़िया नहीं था, अब बहुत अच्छा हो गया, अब लोगों के पास पैसा आ गया, अब जो आर्थिक हालत है पहले से बहुत बहुत अच्छा हो गया, अब खुशहाल हो गया। उस समय वैसी स्थिति नहीं थी। उस समय जगन्नाथ मिश्रा जी थे चीफ मिनिस्टर, उसके बाद लालू जी आ गए 20 साल,
नीतीश जी आए तो थोड़ा चेंज हुआ, वो जो चेंज हुआ सो अभी भी दिखाई पड़ रहा है। और सर उस समय जो एक टिकट का जो रेट था सर, किस हिसाब से आप लोगों ने रखा? 75 पैसा था और 5 रुपया मैक्सिमम था। मैक्सिमम 5 रुपये में फिल्म देख लीजिए, मैक्सिमम 5 रुपया था। घर में का टैक्स बहुत था, अफसर शाही बहुत था, इसलिए हम लोग तंग आकर सिनेमा हॉल बंद कर दिए। किस तरह से परेशानी होती थी अफसर शाही के जरिए से? एक तो हर एक साल लाइसेंस लीजिए, सब जगह पैसा देना पड़ता था पुलिस का। फिर माहौल भी बहुत ख़राब था, दादागिरी था, गुंडागर्दी था। अब तो मालूम है कि यहाँ वहाँ की बहुत महाबली सब थे, यहाँ पूर्णिया फेमस थे महाबलियों से। वो उन लोगों ने काफ़ी परेशान किया? उन लोग हमको नहीं परेशान किया, कोई परेशान नहीं किया उन लोग। वो लोग कभी परेशान हम लोगों को नहीं, बाकी आदमी को किया, लेकिन हम लोगों को नहीं परेशान किया। कहीं कहीं असर तो पड़ा? असर की लोग भयभीत थे, आतंकित थे, लोग शाम के बाद घर से बाहर निकलना नहीं चाहते थे। तो उस दौर में जो सरकार के लोग थे, प्रशासन के लोग थे, वो लोग क्या करते थे सर? माहौल बहुत ख़राब था, भयभीत था सर। वो तो नीतीश जी आए तो उसके बाद बदल गया माहौल। नीतीश जी के आने के बाद माहौल बदला। उसके बाद जो पूर्णिया का ग्रोथ देख रहे हैं उसके बाद फास्ट हो गया। प्रशासनिक व्यवस्था सुधरने के बाद ही लोगों ने इन्वेस्ट भी करना। और नीतीश जी पूर्णिया को स्पेशल केयर भी किए, इतना अच्छा मेडिकल कॉलेज, हालांकि तो मोदी जी का है, लेकिन इतना अच्छा मेडिकल कॉलेज, रोड वगैरह, एजुकेशन, क्राइम ख़त्म किए, बिजली ठीक किए, बहुत कुछ किए। जी सर, 4 स्टार से जुड़ी हुई कुछ यादें चाहेंगे सर बताएं आप, जो कि लोगों के बीच में वैसी बातें नहीं है जो आप जानते हैं। नहीं नहीं, ऐसा अमिताभ बच्चन गिफ्ट किए और ये सब गलत है। ये काफ़ी बॉलीवुड के बहुत सारे हीरो हीरोइन थे जिसका बाईपास सर्जरी किए थे। संजीव कुमार गए थे अमेरिका उनसे दिखाने के लिए, तो उनको बोले थे कि आपको बाईपास सर्जरी तुरंत करा लेना चाहिए। वो बोले कि जाते हैं घर से विचार करके आएंगे, आए फिर लौट के जा नहीं सके, हार्ट अटैक हो गया, चले गए। तो बहुत आदमी का बाईपास सर्जरी किए। अच्छा सर, बहुत कलाकार तो पूर्णिया आए थे, जैसे राज कपूर साहब, वहीदा रहमान, ये लोग आए थे पूर्णिया। वो हम लोगों से पहले, जब सिनेमा हॉल नहीं बना था उससे पहले हम लोग सिनेमा 84 में शुरू हुआ है। और ये आप कर रहे हैं कौन फिल्म बना था, तीसरी कसम, उस समय बहुत पहले की बात है। ये पहले की बात? बहुत पहले की बात है। तो जब सिनेमा हॉल बना ये 70 वगैरह या 70 की बात है, हम लोग 84 में आए हैं, 14 साल पहले ये सब हो चुका था। तो उसके बाद कुछ बड़े एक्टर का यहाँ आना जाना नहीं हुआ? नहीं, उस समय क्या हुआ कि तीसरी कसम में बहुत घाटा लग गया। जो बनाए पिक्चर तीन थे उसमें, फणीश्वर नाथ रेणु किताब लिखे थे जी, उनकी कहानी थी, और बनाए थे कोई और, नाम भूल रहे हैं उनका, जो बनाए थे उनको घाटा लग गया। उस शौक से उनको हार्ट अटैक हुआ और मर भी गए। और जब वो मर गए तो पिक्चर हिट हो गया, उसके बाद पिक्चर खूब चला। पहले फ्लॉप हो गया था पिक्चर, उसके बाद फिर हिट हो गई। उनके डेथ के बाद पिक्चर हिट हो क्लिक कर गया, इसी शोक से उमर गए घाटा से। तो ये भी एक कहानी बन गई सर। सर लास्ट में हम ये चाहेंगे कि सर आपका उस वक्त में 4 स्टार का जो देखरेख पूरी तरह से आप ही कर रहे थे, तो किस तरह से मैनेज कर लिया करते थे, कितने स्टाफ काम करते थे उसमें? हम लोग ओवर स्टाफ रखते थे, 30-40 स्टाफ रहते थे हमेशा, और ठीक ही था। पूर्णिया हम थोड़ा सा निर्भीक आदमी थे, हमको और बाकी किसी से कोई दिक्कत नहीं हुआ, गवर्नमेंट से बहुत ज़्यादा दिक्कत नहीं हुआ। लेकिन हम लोग एक्चुअली बेसिकली हम लोग जमींदार थे, वो बिजनेस मेंटलिटी हम लोग का नहीं था, हम लोग नहीं बर्दाश्त कर पा रहे थे, मतलब एडजस्ट नहीं कर पा रहे थे। सर इतनी बड़ी ख्याति फिल्म 4 स्टार का रहा, लेकिन अब बंद हो गया, तो सर क्योंकि हम लोग 4 भाई 2 बहन हम लोग थे, जिसमें डॉक्टर साहब का डेथ हो गया 2009 में, और हम लोग यहाँ से जितने भी बच्चे थे 42 टोटल अमेरिका शिफ्ट कर गए।
जिसमें कि 17 डॉक्टर बन गया, 5 इंजीनियर बन गया, सब अमेरिका में, यहाँ कोई नहीं है, नील नील हो गया यहाँ केवल आप। हम लोग भी है, ज़मीन वगैरह है, प्रॉपर्टी है, इसलिए आते हैं, लेकिन हम लोग के बाद पता नहीं कौन आएगा कि नहीं आएगा, लेकिन सब बहुत सक्सेसफुल है वहाँ। वहाँ मोटा मोटी अमेरिका के हर एक सिटी में डॉक्टर मिल जाएंगे आपको, कोई भी कहीं भी अमेरिका घूमने जाए तो हम लोग की फैमिली का कोई ना कोई आपको हर एक सिटी में मिलेगा। हम लोग 42 आदमी हैं, मतलब नाती पोता वगैरह वगैरह लेके, सब अमेरिका में ही है। ये तो पूर्णिया के लिए भी एक बड़ी बात है कि हमारे पूर्णिया के, हाँ ये तो है, पूर्णिया से जो भी जाते हैं जरूर मिलते हैं, या बिहार से भी जो जाते हैं मिलते हैं, जैसे NK सिंह वगैरह हुए, शत्रुघ्न सिन्हा हुए, इन लोगों से काफ़ी क्लोजनेस था डॉक्टर साहब का, इन लोगों से मुलाकात होती, हाँ खूब मुलाकात होती थी। अब सर इस बात का मलाल है कि चलिए ठीक है आप लोग तो सेटल कर गए, लेकिन जो पहचान पूर्णिया का था, पूर्णिया पहचान की जरूरत पूर्णिया को अब नहीं है किसी का, पूर्णिया अब इतना आगे बढ़ चुका है। जब इतिहास लिखा जाएगा तो उसमें तो 4 की गिनती होगी, 4 का ये भी कहा जाएगा कि इस दौर में आकर के ये फिर खत्म हो गया। नहीं, 4 को जो पूर्णिया को देना चाहिए था दे के 4 बंद हुआ है, मतलब पूर्णिया में एक माहौल बन गया कि यहाँ भी इन्वेस्ट किया जा सकता है। अच्छा, ये भी आपको लगता है कि पूर्णिया के लोगों ने उसको संभाल नहीं पाया, ऐसा आपको लग रहा है? नहीं ऐसा नहीं, क्योंकि गवर्नमेंट का टैक्सेशन इतना था ना, सिनेमा 4 नहीं, पूरा बिहार का ही सिनेमा ख़त्म हो गया, बहुत ज़्यादा टैक्स है, सेल टैक्स इसमें बहुत है, जबकि TV फ्री कर दिया। अब सोशल मीडिया भी तो इस तरह से, तो सोशल मीडिया फ्री है और सिनेमा पर टैक्स है, ये तो किसी पहलवान को हाथ बांध गया उसको कुश्ती लड़ा रहे, एक आदमी एक पहलवान इसका हाथ खुला हुआ है और दूसरे पहलवान का हाथ बंधा हुआ है, उसके ऊपर टैक्स है, उसके ऊपर कुछ नहीं, कैसे सरवाइव करेगा, कर ही नहीं सकता। यही मूल वजह आपको, मूल वजह है गवर्नमेंट का टैक्स, गवर्नमेंट का मिसमैनेजमेंट, गवर्नमेंट का ब्यूरोक्रेसी। तो आप सर क्या करेंगे उस सिनेमा हॉल का? अब तो हम लोग सब चले गए वहाँ, तो अब तो सेल के अलावे और कोई उपाय नहीं है। अब सेल करने के मिजाज, सेल करने के मिजाज भी, हम भी वहीं रहते हैं, हम भी US में ही रहते हैं। सर आपने हमारे दर्शकों के लिए इतना अच्छा टाइम दिया और बहुत कुछ जानकारी शेयर की सर। नहीं, आपका भी जो आप इतना क्यूरियस हैं कि इतना खोज के 4 का कहानी को आगे बढ़ाने के लिए इतना समय दिया, आपको भी धन्यवाद। ठीक, तो ये सच्चाई आपने सुन लिया, कुमार राय साहब हमारे साथ अभी मौजूद हैं और इन्होंने ही सारी कुछ बताया कि क्या सच्चाई है और पूर्णिया के डेवलपमेंट में इनके परिवार का, डॉक्टर मोहन राय साहब का, और पूर्णिया में जो बना सबसे बड़ा स्क्रीन वाला सिनेमा हॉल 4, इसका कितना बड़ा योगदान रहा। लेकिन ये अब महसूस आपको भी हो रहा होगा, एक मलाल हो रहा होगा कि सिनेमा हॉल इतना बड़ा होने के बावजूद भी बंद हो गया और पूर्णिया की जिससे पहचान जुड़ी हुई थी। लेकिन ये बात अपने आप में गर्व करने लायक है कि पूर्णिया के डेवलपमेंट में सिनेमा हॉल का और इस परिवार का बहुत बड़ा योगदान रहा। कोशियालों के लिए सुमित के साथ मैं संजय कुमार।